निकल निकल, अब यहाँ से निकलेगा एक छोटा सा बेबी। ये देखो टोटल हमें इतना पोटैटो मिला है, बहुत ज़्यादा कैरेट भी मिला है, एक तरीके से मतलब बराबर से ही मिले हैं आप देखो तो। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माइनक्राफ्ट के 12th सर्वाइवल एपिसोड के अंदर। और गाइज अगर आपने पिछला मेरा एपिसोड देखा होगा तो आप सभी को पता होगा कि हमने एक बहुत ही बड़ा फार्म बनाया था उस एपिसोड के अंदर, और उस फार्म से हमने बहुत सारी फसलें तोड़ी थी। हम पे बहुत सारा कैरेट है, बहुत सारा पोटैटो है और बहुत सारा व्हीट भी है। तो इस एपिसोड में मैं जाने वाला हूँ विलेजर से ट्रेडिंग करने के लिए, और मैं बहुत सारी एन्चेंटमेंट लेने की कोशिश करूंगा, बिकॉज आप सभी को पता ही है हमें एंडर ड्रैगन को डिफीट करना है। तो उसके लिए हमें बहुत सारी एन्चेंटेड चीजें चाहिए होंगी जिससे हम एंडर ड्रैगन को किल कर पाएंगे बहुत ही इजीली। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। तो अब तक तो बहुत सारे अपने विलेजर्स जो हैं फार्मर बन गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारा कंपोस्टर रखा हुआ था यहाँ पर। तो ये देखो कितने सारे यहाँ पर अपने ये हैं। सबसे पहले तो मैं ये बेचता हूँ, जितने देगा उतने ले लेते हैं। तो यार अब इसने ट्रेड करने से मना कर दिया, 20 हम सिर्फ एक कैरेट से ले पाए हैं, अब मैं इससे व्हीट से लेने वाला हूँ। तो इसने इससे भी ट्रेड करने से मना कर दिया है, तो टोटल हमने 36 अभी कर लिए हैं। कोई बात नहीं है, मैं इससे ट्रेड करूंगा अब। तो यहाँ पे पोटैटो का ट्रेड स्टार्ट करते हैं, और यार एक्सपी भी काफी अच्छी मिल रही है, तो डबल डबल फायदा है। तो यार 52 टोटल हो चुके हैं एमरल्ड, और इससे मैंने बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करी पोटैटो की, और इसने पोटैटो का ट्रेड करने से अब मना कर दिया। तो अब चलते हैं दूसरे विलेजर के पास। तो यार इससे भी हमने ट्रेड कर लिया, हमारे कैरेट भी अब खत्म हो चुके हैं, और इसने ट्रेड करने से भी मना कर दिया है। तो ये देखो हम 64 और 21 बहुत ज्यादा एमरल्ड हो चुके हैं हमारे पास। अब इससे हम वो वाली बुक तो ले ही सकते हैं, मेंडिंग कौन बेच रहा था भाई, कोई इसमें से मेंडिंग बेच रहा था। पहले उसके लिए मेरे को एक बुक भी लेकर आना पड़ेगा, तो पहले मैं बुक लेकर आता हूँ और मेंडिंग ले लेते हैं यार, जितनी भी हम ले सकते हैं, क्योंकि मेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मेंडिंग में एक ही ले पाऊंगा, क्योंकि 58 एमरल्ड का दे रहा है। इसमें देखते हैं मेंडिंग वाला कौन था, तो ये मेंडिंग वाला है क्या? नहीं, तो यार मेंडिंग वाला नहीं था 58 वाला, वो स्माइट वाला था। तो मेंडिंग तो हमें 32 में मिल रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ले लेता हूँ, बाकी मैं बाद में सस्ता करके ले लूंगा इससे एक एमरल्ड में। तो एक मेंडिंग मैंने ले लिया है, अब मैं स्वॉर्ड पे लगाता हूँ, क्योंकि स्वॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वॉर्ड पे मैं लगा लेता हूँ सबसे पहले मेंडिंग, उसके बाद हम देखेंगे। तो ये रही हमारी स्वॉर्ड, और एनविल पे जाना पड़ेगा मेरे को। दो कॉस्ट आ रही है, मात्र 2 एक्सपी से हमारा ये मेंडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका नाम भी मैं कुछ रखने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसका नाम रखा है गॉड ऑफ गॉड स्वॉर्ड, क्योंकि इसमें देखो कितनी सारी चीजें हैं, स्वीपिंग S3 है, नॉकबैक 2 है, शार्पनेस 4 है, और मेंडिंग है। तो इससे तो यार ज़ॉम्बी की बैंड ही बच जाएगी बिल्कुल। तो इसको यहाँ पर कर लेते हैं, और 3 हमारी एन्चेंटमेंट कॉस्ट है ये इसकी, और ये हमारी स्वॉर्ड रेडी। अब जो अगला काम है मेरे को ये करना है कि इसमें लगाना है फॉर्चून 3 वाले में मेंडिंग लगानी है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी हेल्थ भी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। तो पहले तो सो जाते हैं। तो यार अब ना किसी ज़ॉम्बी को इससे मार के देखता हूँ मैं, तब पता लगेगा कि कितना पावरफुल ये है। तो मेरे को ना नीचे जाना पड़ेगा, हाँ वो रहा, इसको पेल के देखते कितना। पहले तो मैं खाना खा लेता हूँ, नहीं तो ये मेरा भूत बना देगा। तो यार अब देखते हैं कि कितनी पावरफुल ये स्वॉर्ड है। ओ भाई एक में, इस पे इतना तगड़ा काम नहीं कर रहा है। ओ फटाफटा फटाफट गया, फट गया। अबे भाई यार ये बड़ी दिक्कत है, कभी कभी लगता ही नहीं है क्या ये दिक्कत है, पता नहीं। अब नीचे की साइड चलते हैं, देखते हैं, बहुत सारे ज़ॉम्बी यहाँ पे मेरे को लग रहे हैं, हो सकते हैं। ये देखो ये रहा। ओ भाई ये कहाँ गया, मैं फटाफट बच गया, बच गया। तो यार क्रीपर नहीं मिलना चाहिए। तो यार है तो ये काफी पावरफुल स्वॉर्ड, बहुत जल्दी जल्दी मर रहे हैं। पहले तो मेरे को कितना ज्यादा इनको मारना पड़ता था, बट अब तो बिल्कुल इजीली मर रहे हैं ये। एक बार मेरे को इसको भी मारना है, ये बहुत देर से परेशान, खत्म। अच्छा 2 स्वॉर्ड में मरेगा ये। यार क्रीपर सबसे बेकार लगते हैं मेरे को, क्रीपर से ना लड़ने में भी मजा नहीं आता, फट जाता है यार आके। क्रीपर से ना स्वॉर्ड से नहीं, उससे लड़ना चाहिए, बो से। तो यार यहाँ पर देखो ये हमें मात्र 15 एवरेल्ड में इन्फिनिटी दे रहा है, भाई कितनी तगड़ी चीज है ये इन्फिनिटी, मैं इसको जरूर लूंगा अभी। तो यहाँ पर मैंने रखा और यहाँ पर इन्फिनिटी ले लिया। ओके यहाँ पे इन्फिनिटी के मैं एक नहीं 2-3 बुक लूंगा, क्योंकि इन्फिनिटी में हम मेंडिंग नहीं लगा सकते, तो इसका मतलब हमारी बो बार बार टूटेगी। तो इसके लिए इन्फिनिटी मेरे को बहुत सारा लेकर रखना पड़ेगा, क्योंकि जितनी नई बो मैं बनाऊंगा उन सभी पे मैं इन्फिनिटी लगा दूंगा। बो को रिपेयर तो हम कर सकते हैं, बट रिपेयर करते करते ना बाद में उसकी कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है, मतलब एक बो रिपेयर करने के लिए बाद में 20-30 ऐसे एक्सपी जाती है। इससे अच्छा है कि यार कुछ टाइम तक हम रिपेयर करेंगे, जैसी कॉस्ट हाई होगी तो हम नया बो बना लेंगे, उसमें इन्फिनिटी लगा लेंगे। तो इसलिए मैं 2-3 तो बाय करके रखूंगा एटलीस्ट। तो यहाँ पर हमें इन्फिनिटी मिल चुकी है, और इसको मैं अपने बो पर लगाने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं अपनी बो को यहाँ से एन्चेंट करूंगा, क्योंकि यहाँ से भी 1-2 एन्चेंटमेंट मिल जाएगी, तो उसके बाद मैं उसके ऊपर इन्फिनिटी लगा दूंगा। तो मैं एक बार अपने
अपने वो को लाकर देखता हूँ कि क्या एन्चेंटमेंट हमें इस पे मिल रही है। और 29 लेवल है मेरा, 30 करने के बाद ही मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि 30 के बाद ही बढ़िया एन्चेंटमेंट मिलती है। तो मेरा वो यहाँ पर होगा जहाँ तक मेरे को लगता है, नहीं यहाँ पर नहीं है वो। तो यार वो पे हमें मिल रही है अभी 55। यार 55 पता नहीं कैसी है। पहले मैं इससे पहले अपनी कोई और चीज एन्चेंट करके देखूंगा, और पहले मैं देखता हूँ कि और किसी पे क्या एन्चेंटमेंट मिल रही है। शवल पे देख लेते हैं क्या मिल रहा है। तो एफिशिएंसी 3 मिला है, तो मैं इससे शवल ही करूंगा पहले। तो उसके बाद शायद वो की एन्चेंटमेंट जो हमें अभी मिल रही है वो चेंज हो जाएगी। तो पहले तो एक लेवल मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, वो भी रात में बढ़ेगा, क्योंकि ज़ॉम्बी को मारूंगा तो लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो यार इस वार्ड में मेरे को लूटिंग 3 भी लगानी है अभी। तो इस पे स्वीपिंग एस 3, नॉकबैक 2, शार्पनेस 4 और मेंडिंग लगी हुई है। शार्पनेस शायद 5 तक होता है, तो 5 मेरे को मिल जाएगा बाद में। मैं शार्पनेस 4 की एक बुक और लगा दूंगा इस पे, तो शार्पनेस 5 बन जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को जो काम करना है वो ये है कि मेरे को इस पे लूटिंग 3 लेनी है। लूटिंग 3 हमारा एक लेजर हमको दे रहा है, तो उससे पहले लूटिंग 3 लेते हैं। उसके लिए मेरे को एक बुक बनानी पड़ेगी। एक लेजर ये रहा, एक बुक तो बनी जाएगी अब हमारी, तो बुक बन चुकी है। अब उससे लेकर आते हैं लूटिंग 3। पता नहीं कितने में दे रहा है वो एमरल्ड में, पहले चेक करते हैं उसका रेट कितना है, उसके हिसाब से लेंगे। तो ये एक्वा एफिनिटी वाला भैया है, ये लूटिंग 3। हाँ ये रहा लूटिंग 3 वाला अपना विलेजर, बट ये 44 एमरल्ड में दे रहा है। यार बहुत ज्यादा महंगा है ये, तो इसके लिए तो मेरे को और ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। मेरे को कितने चाहिए, 6 एमरल्ड और चाहिए यार, 6 एमरल्ड और चाहिए, उसके बाद ही मैं इसको ले पाऊंगा। तो 6 एमरल्ड तो मैं ले सकता हूँ यार, मेरे पे बहुत सारी चीजें रखी हुई है। तो मैं लेकर आता हूँ पहले और ट्रेडिंग करता हूँ थोड़ी सी। तो यार यहाँ पर मैंने बहुत सारे कैरेट रख लिए हैं, आराम से मिल जाएगा इससे 6 एमरल्ड। तो यार चल के ट्रेडिंग करते हैं फटाफट से, इसी विलेजर को पकड़ते हैं फटाफट। आजा भाई, कहाँ भाग रहा है। तो यार हमारे पास हो चुके हैं 54 एमरल्ड, अब तो हमें आसानी से मिल जाएगा लूटिंग 3, बट उसको ढूंढना पड़ेगा कौन था वो। ये तो नहीं था, ये रहा लूटिंग 3 वाला मिल गया मेरे को। तो इससे मैं एक बुक ले लेता हूँ लूटिंग 3 की, और फटाफट से इसको जाके लगाते हैं अपनी स्वॉर्ड पे। तो ये देखो भाई, लूटिंग 3 हम लगाने वाले हैं अपनी स्वॉर्ड पे। बट उससे पहले, लूटिंग 3 लगाने से पहले मेरी 30 एक्सपी है, तो मैं पहले कोई एन्चेंटमेंट लेकर आऊंगा। तो मैं एन्चेंटमेंट लेने वाला हूँ अपनी शॉवल पे, या फिर मैं सोच रहा हूँ इस पे लूँ क्या। इस पे मेरे को डेप्थ स्ट्राइडर मिल रहा है, इस पे मेरे को मिल रहा है एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी लेने वाला हूँ मैं। इसके साथ हमें मिला है अनब्रेकिंग 3, तो यार अच्छा है। अब देखते हैं कि इस पे क्या मिल रहा है। अब मिल रहा है इस पे ब्लास्ट प्रोटेक्शन 4, और इस पे क्या मिल रहा है, इस पे मिल रहा है अनब्रेकिंग 3। तो चलो इन सभी को रख देते हैं अब। तो इन्फिनिटी और लूटिंग 3 अभी हमारे पास है, तो चल के फटाफट से स्वॉर्ड पे अपनी लूटिंग 3 लगाते हैं। अब 2 में गया है, और मेंडिंग से देखो हमारी स्वॉर्ड अपने आप रिपेयर भी हो रही है। तो यहाँ पर मैंने रखा इसको, यहाँ पर रखा इसको, ओके। अब हमारी जो स्वॉर्ड है बहुत ही तगड़ी होने वाली है, क्योंकि इस पे लूटिंग 3 मिल जाएगा हमें। ये देखो, ये हमारी स्वॉर्ड बनके तैयार हो गई है गाइस। अब ये स्वॉर्ड सच में गॉड ऑफ द गॉड स्वॉर्ड है, क्योंकि इस पे देखो आप स्वीपिंग एस 3 जो की मैक्सिमम है, नॉकबैक 2 मैक्सिमम, शार्पनेस 4 मैक्सिमम नहीं है, शार्पनेस 5 तक होता है, मेंडिंग और लूटिंग 3 मैक्सिमम। तो भाई लगभग सारी चीजें इसमें मैक्सिमम है, बिल्कुल मैक्सिमम लेवल की। अब जो भी एक्स्ट्रा चीजें इस पे हम लगा सकते हैं वो मैं लगा के देखूंगा। स्माइट 5 की मेरे को एक स्वॉर्ड बनानी है सेपरेट, क्योंकि स्माइट 5 आप नहीं लगा सकते इसके साथ, शार्पनेस के साथ स्माइट कंपेटिबल नहीं होता। तो उसके लिए मेरे को एक सेपरेट बनानी पड़ेगी स्वॉर्ड, क्योंकि यार स्माइट से ना डैमेज बहुत तगड़ा मिलता है सबको, जितने भी अपने ज़ॉम्बी होते हैं और ये पिगलिंस होते हैं उनको बहुत तगड़ा डैमेज मिलता है स्माइट से। तो स्माइट मैं रखूंगा उन लोगों के लिए, बाकी ये जो है ये रहेगा अपना बाकी सारे ज़ॉम्बीज के लिए। इस पे भी देख लेते हैं क्या मिल रहा है हमें। यार इस पे इन्फिनिटी हमें वैसे ही मिल रही है, ओ भाई। और इन्फिनिटी के साथ कुछ और भी हमें मिल सकता है इसके साथ, तो मैं इन्फिनिटी तो इससे ही लूंगा, बट 30 लेवल के बाद होगा वो। अभी मेरा लेवल जो है वो 20 है। सो गाइस यही था आज के इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह का गेम प्ले लेकर आता रहता हूं। सो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट माइनक्राफ्ट की गेम प्ले वीडियो के अंदर। सो गाइस बाय।